राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में भारी बारिश के कारण 114 से ज्यादा डैम हो चुके हैं और फ्लो कई जिलों में अलर्ट हुआ है जारी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर के कारण राजस्थान में किसी भी समय भयंकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि आज 10 जिलों में तेज बारिश के आसार है। वही तेज हवाओं की रफ्तार यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। यानी राजस्थान में ये जो हल्की मध्यम और तेज बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। फिलहाल राजस्थान में बारिश का दौर थमता नहीं दिख रहा है। इस बार बारिश से राजस्थान में कई बांध लबालब हो गए। 114 डैम तो फुल यहाँ पर भर चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में जिन इलाकों में बारिश का अलर्ट है उनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली जिले हैं। यहाँ पर बारिश तेज होगी। वहीं जयपुर मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक करौली, धौलपुर, जोधपुर में आज बादल गरजने के साथ हल्की बारिश के आसार है। इनके अलावा जोधपुर और चित्तौड़गढ़, बाराबंकी, टोंक, जैसलमेर, अजमेर में बरसात की संभावना जताई गई है। पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों में काले बादल छाने के साथ बारिश की संभावना जताई गई। राज्य में भारी बारिश के बीच में घटनाएं भी हुई है। कोटा, जोधपुर में बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। जोधपुर के साथ श्रीनगर इलाके में भी यहाँ पर बालकनी से गिरने से 14 वर्षीय महिला की मौत हो गई, 40 वर्षीय महिला की मौत हुई है। वही मानसून में अब तक की देखें तो राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है। 254 एम तक अब बारिश हो चुकी है। वही सामान्य से 154 फीसदी ज़्यादा है। मतलब सामान्य बारिश 154 रहती है लेकिन इस बार जो है ये 90 फीसदी ज़्यादा है। वही राज्य के सभी 33 जिलों में 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई। यानी सभी इलाकों में फिलहाल बारिश जारी है। आगामी दिनों में और भी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा।